Hello guys, welcome back to the tetrahedron chemistry classes. So guys, if you remember in my last class of biodiversity, right, I was on this slide, right, in the last lecture, and I have ended the lecture on this particular slide where I have told you some of the biogeographical regions of the India and some very important facts about the biogeographical regions of the India. Now today I'll move further and see how we can explain the importance of the biodiversity, right? This is very very important. Okay, जैसा पहले भी मैं बता चुका हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये है आपका. तो अब हम यहाँ पे चलते हैं वैल्यू ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, एंड इफ़ यू ब्रॉडली से देन यू विल हैव द टोटल इकोनॉमिक वैल्यू. इकोनॉमी एज यू नो, इकोनॉमिक वैल्यू इज द वैल्यू बाय विच यू कैन गेट सम रेवेन्यू. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द टोटल इकोनॉमिक वैल्यू, सो फर्स्ट इज यूजेबल वैल्यू और द यूज वैल्यू, and second is the existence value. However, you can see there is no very clear cut differentiation between use value and the existence value, lekin fir bhi janne ki koshish karenge ki kis tarike se differentiate kiya ja sakta hai. So these use values can be subdivided into three categories. First is direct, second is indirect, and third is the optional value. So in the direct, see, direct consumptions of the primary goods, jo bhi aapko forest se, जंगल से, या फार्मिंग के थ्रू, या नेचर से कहीं पर भी कुछ कंजप्शन के लिए चीज़ें मिलती हैं, तो वो आपकी डायरेक्ट यूज़ होता है. जैसे आप टिम्बर ले लीजिए, राइट, टिम्बर वुड आपकी होती है व्हेन यू कंस्ट्रक्ट योर बिल्डिंग. अब हालांकि आजकल तो इतना ज़्यादा लकड़ी का काम होता नहीं, बट फिर भी आप देखें टिम्बर यहाँ पर बहुत कॉमन है, एंड इन हिल्स, एक्चुअली इन उत्तराखंड रीजन, चीड़, राइट, बहुत चीड़ का जो पेड़ है आपका, आई थिंक इट इज़ पाइनस रॉक्स बरगई, बॉटनिकल नेम इज़ द पाइनस रॉक्स बरगई, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ होता है. देन देयर कम्स द अदर थिंग्स लाइक फ्रूट्स, नट्स, हर्ब्स, लेटेक्स एट्सेट्रा. तो देखिए, फ्रूट्स तो आते ही हैं जंगल, सबको पता है, इसमें बात करने की ज़रूरत है नहीं, फार्मिंग के थ्रू आते हैं, ठीक है, वाइल्ड भी होते हैं, इसलिए जंगल से मैंने बोला. देन इसके अलावा नट्स जो आपके हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप देखें, ये भी सब हम नेचर से ही मिलता है. इसके अलावा हर्ब्स, आजकल देखिए आयुर्वेदिक मेडिसिंस की बात बहुत ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिक चीज़ों की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, एंड यू आर रिजाइडिंग इन द हिली रीजन, सो वी मेनली एक्चुअली नाउ स्टिल इन नाउ स्टिल टुडे एक्चुअली टिल टुडे एंड नाउ इवन नाउ दीज डेज एक्चुअली वी बिलीव इन द हर्ब्स ऑल्सो. भाई अगर किसी को सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है तो आप तुलसी का पत्ता तोड़ के काढ़ा बना लेते हैं. सो दीज आर द हर्ब्स. तो इवन टुडे एक्चुअली वी बिलीव इन द हर्ब्स ऑल्सो. एंड लेटेक्स की अगर आप बात करें, लीसा पहाड़ में बहुत ज़्यादा उसी चीड़ के पेड़ से निकलता है. तो ये सब आपके क्या हैं, डायरेक्ट यूजेज हैं. देन देयर कम्स द फ्यूल वुड. पहाड़ों में अक्सर अभी भी इंटीरियर में अगर आप निकल जाएँ तो जो जंगल की सूखी लकड़ी होती है उसको जलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो फ्यूल वुड का काम भी ये करता है. ओके, देन देयर कम्स द फॉडर स्पीशीज़. भाई अगर आपके पास लाइव स्टॉक्स है, लाइव स्टॉक्स मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का मतलब है कि जितने भी जानवर आप घर में पालते हैं, गाय, भैंस, बकरी, जितना भी हर्बीवोर्स होते हैं, उनके लिए फॉडर जो चारा है वो भी आज देखे घास काटने के लिए सभी लोग आते हैं, ये सब चीज़ें हैं. ओके, देन इसके अलावा आप लास्ट वाला पॉइंट में बहुत ज़्यादा एलोबरेट नहीं करूँगा बिकॉज आई डोंट बिलीव इन द हंटिंग एक्चुअली. अब हालांकि हंटिंग आजकल शिकार किया भी नहीं जाता तो इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था इस पॉइंट को, लेकिन फिर भी अगर कुछ काम कर ले सकते हैं जो करते हैं एक्चुअली में, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी डायरेक्टली हंटिंग के थ्रू भी चीज़ें ले सकते हैं. सो दीज आर द डायरेक्ट यूज़ ऑफ योर बायोडाइवर्सिटी. एंड देन देयर कम्स नेक्स्ट पार्ट इज़ योर दिस वन, सेकेंडरी गुड्स, ओके, एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग द इकोलॉजी. तो सीनरी इसमें आ जाएगा आपका. आपको मालूम है कि पहाड़ों में मन शांत करने के लिए, घूमने के लिए लोग आते हैं, तो सीनिक ब्यूटी इज़ ऑलरेडी देयर. ओके, सिमिलरली यू कैन स्किप द रिक्रिएशनल एंड द कम्युनिटी इंटेग्रिटी बिकॉज दे आर द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द सोशल कॉज ऑल्सो. तो इसको हम कभी और बात करेंगे. फिलहाल वाइल्ड लाइफ आप देख सकते हैं, आप लोगों को बर्ड वॉचिंग करना या आप जानवर देखना पसंद करते हैं तो वाइल्ड लाइफ भी एक आपका सेकेंडरी इसके लिए यूज़ हो सकता है, इनडायरेक्ट यूज़ है. एंड सिमिलरली यू कैन सी क्लाइमेट मिटिगेशन, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहाड़ों में आप देखिए मौसम अक्सर क्लाइमेट जो है वो साफ़ रहता है,
क्योंकि यहाँ पे जो है आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया, पॉल्यूशन वगैरह नहीं है, तो क्लाइमेट मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट खुद ही करता है. देन देयर कम्स द एयर क्वालिटी. ऑफ कोर्स हिल्स आर हैविंग द वेरी गुड एयर क्वालिटी एंड सिमिलरली सॉइल क्वालिटी. सॉइल क्वालिटी में तो खैर बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते, बट स्टिल सम प्रोडक्टिव सॉइल इज़ देयर इन द हिल्स ऑल्सो और इन दिस रीजन ऑल्सो एक्चुअली, राइट? नॉट ओनली द हिल्स, एक्चुअली सब जगह. वाटर साइकिल का मेंटेनेंस आप देखें, ये भी बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही हो रहा है. ये सब चीज़ें हैं जो कि सेकेंडरी वैल्यूज़ हैं. इस देन देयर कम्स द ऑप्शनल वैल्यूज़. सो ऑप्शनल वैल्यूज़ एक्चुअली आज द फ्यूचर वैल्यूज़. ओके, कंजप्शन एंड द गुड्स ऑफ द सर्विसेज, कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द फ्यूचर एक्चुअली. सो बायोडाइवर्सिटी अगेन, सी कुछ भी हमको चाहिए तो जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, जितना ज़्यादा प्लांट मटेरियल आपके होंगे, तो मेडिसिंस मिलने के चांस भी उतने ज़्यादा हैं. ओके, देन वाइल्ड लाइफ आप देखें, वाइल्ड लाइफ हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि आपको पता है कि जब ह्यूमन बिना वाइल्ड लाइफ के, बिना बायोडाइवर्सिटी के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते. देन देयर कम्स योर कम्युनिटी इंटेग्रिटी, अगेन अ सोशल कॉज. ओके, देन देयर कम्स द सेम थिंग्स, एयर, सॉइल एंड द वाटर क्वालिटी. सो दिस मे बी द ऑप्शनल ऑल्सो, क्योंकि किसी को चाहिए, किसी को नहीं भी चाहिए, कोई बॉदर करता है इसके लिए, कोई नहीं करता है. देन देयर कम्स द एग्जिस्टेंस वैल्यू. एग्जिस्टेंस वैल्यू का मतलब है नो कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज. तो इसमें आप क्या करें, सीधे सीधे बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करें, ठीक है, सिस्टम को, इको जो भी इको सिस्टम है उसको स्टेबल बनाने की कोशिश करें. एंड द ओनली वे टू स्टेबलाइज योर इको सिस्टम टू इंट्रोड्यूस द मोर एंड मोर स्पेशीज, और यू कैन से यू कैन इफ यू कैन कंट्रोल द लॉस ऑफ द एग्जिस्टिंग स्पेशीज, देन इट विल मॉडिफाई योर क्लाइमेट ऑल्सो, इट विल स्टेबलाइज योर इको सिस्टम ऑल्सो. ऑप्शन बहुत ज़्यादा रहेंगे तो उतना ही बढ़िया हमारे लिए रहेगा, ठीक है. देन सीनरी एंड वाइल्ड लाइफ आई ऑलरेडी टोल्ड यू. देन देयर कम्स द बिक्वेस्ट वैल्यूज़. बिक्वेस्ट वैल्यूज़ भी फिर बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है नहीं, दिस इज़ फाइन, जो हम पहले ही देख चुके हैं उतना काफ़ी है. सो इन अ ब्रॉड सेंस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, देन यू कैन टेक दिस यूजबल वैल्यू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. एंड इफ यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, सी आई कैन अंडरस्टैंड इफ यू आर द से BSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और से BTech फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, वट एवर. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, बट दिस पार्ट इज देयर इन योर सिलेबस. सो यू हैव टू एक्चुअली लर्न अबाउट दीज थिंग्स ऑल्सो. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. नाउ वी विल सी द सम ऑफ द पिक्चर्स. हियर यू कैन सी इन द लास्ट स्लाइड आई एक्सप्लेन द डायरेक्ट डायरेक्ट यूजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी. यू कैन सी द फायरवुड, लकड़ी जलाने जलाते हैं जब, आप उसको लिए यूज़ कर सकते हैं. फूड मटेरियल यू आर गेटिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर पॉइंट, फ्रॉम द एग्रीकल्चर एज वेल एज फ्रॉम द वाइल्ड. ओके, देन टिम्बर, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. देन देर आर सर्टेन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो, राइट? सो दिस इज द फ्लावर एक्चुअली, राइट? दिस इज रोजी पेरीविंकल एंड द नेम इज कैथेरेंथस रोजेसस. एंड दिस फ्लावर इज द सोर्स ऑफ द मैनी मेडिसिंस. आपको देखिए कि जितनी भी हमें दवाइयाँ मिलती हैं, भाई अब ये जब से मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम आए हैं, लैब में दवाई बनने लगी हैं, तो ठीक है, उससे पहले हम सब लोग रिलाय करते थे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसी पे ही करते थे. तो ये आपका जो कैथेरेंथस रोजियस है, बहुत सारी मेडिसिन इससे मिलती हैं आपको, ठीक है. इसी तरीके से आप जो देख सकते हैं, जिसको आप गेंदे का फूल बोलते हैं, ओके, तो ऑफिस एनालिस समथिंग, सम ऑफिस एनालिस इसका नाम कुछ है, कैलेंडुला ऑफिस एनालिस. ओके, तो इससे भी अगर देखें, गेंदे के फूल को अगर कहीं कट जाता है आपके, तो आप इसका रस निचोड़ के अपने हाथ पे डालते हैं तो खून बहना रुक जाता है, उसकी भी प्रॉपर्टी है. ठीक इसी तरीके से एक स्पेशीज़ और यहाँ पे दिख रही है आपको, जिसको मैं डेसिपस नोवेसिंगटक्स बोल रहा हूँ. ये भी, ये एक वाइल्ड स्पेशीज़ है. ओके, और ये भी बहुत सारे मेडिकल रिसर्च में इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है. तो ये देखिए, एक ये इसका माउथ वाला एरिया है और ये इसका रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट है. देन देयर कम द वाइल्ड स्पीशीज लाइक द मेराइन स्पीशीज. अब देखिए, जितनी भी मेराइन स्पीशीज हैं, आपको मालूम है वर्ल्ड का जो 70% खाना है वो कहाँ से आता है, वो ओशन से ही आता है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसको सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर उतना है नहीं. तो ये जो आपकी मेराइन स्पीशीज हैं या सी फूड आपका है, इट्स वेरी कॉमन. ओके, देन यहाँ पे देखिए, ये लेटेक्स जो रबर बनता है, आपको देखिए हीविया ट्री, किसका ट्री होता है, दिस इज़ द नेम
ऑफ दैट ट्री हीविया, और इससे आप लेटेक्स निकाल के रबर बनाते हैं। अब बाद में उसको मॉडिफाई कर कर करके आप फिर और इसकी क्वालिटी इन्हेंस कर सकते हैं। दे आर द डायरेक्ट सर्विसेज ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्चुअली। ओके, देन नेक्स्ट यू कैन सी द इनडायरेक्ट वैल्यूज। सो इनडायरेक्ट वैल्यूज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, दीज एक्चुअली इंक्लूड यू कैन सी द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में क्या क्या है, जैसे आप ले सकते हैं आपका वाटर साइकिल है, सी हाउ इवेपोरेशन इज गोइंग ऑन एंड राइट एंड द वाटर वेपर्स इज आर राइजिंग्स एंड देन देयर अकर्स द चेंजेस इन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर कंडीशन। उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो वाटर साइकिल आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं। देन सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल इज ऑल्सो देयर, नाइट्रोजन साइकिल इज ऑल्सो देयर। ओके, एंड बहुत सारे साइकिल्स बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, इनको भी कंट्रोल करने के लिए बायोडायवर्सिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब कैसे इफेक्ट होता है, किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड नो दैट योर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर वेरी ब्यूटिफुली कंट्रोल्ड बाय द बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो। ओके, देन देयर कम्स द वेस्ट डिस्पोजल। सो ये वेस्ट डिस्पोजल की बात यहाँ पे जो मैं आपसे करूँगा, ये इस वेस्ट को आप नहीं माने जो आपका प्लास्टिक वगैरह होता है या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, बायोलॉजिकल वेस्ट आप इसे माने। ठीक है, जैसे काव डंग है, गाय का गोबर है, तो उसी से खाद बनाई जाती है। ठीक, तो इन सब की प्रोसेस करने के लिए भी माइक्रोब्स वगैरह आपको चाहिए, फंजाई वगैरह आपको चाहिए, तो ये सब डायरेक्टली लिंक किससे हैं, आपकी बायोडाइवर्सिटी से ही हैं। बायोडाइवर्सिटी मैंने जैसा आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ये लिमिटेड तो है नहीं कि सिर्फ एनिमल सिर्फ ये आपका एनिमल्स में प्लांट्स में होगा, माइक्रोब्स में भी होता है। राइट, तो पत्तियां सड़ना, ये सब काम करना जो बायो वेस्ट है, ये भी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैकेनिज्म इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ओके, इसके अलावा प्रोविजन ऑफ द फ्रेश वाटर। देखिए, ये कहा जाता है कि भाई पहाड़ों में पानी बहुत ज़्यादा साफ है, ऐसा कहा जाता है। उसके पीछे सीधा सा रीज़न क्या है कि भाई इंडस्ट्री वगैरह नहीं है तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है। और ठीक उसी तरीके से जो आपका बांज ओक होता है, जिसको आप आई थिंक बॉटनिकल नेम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इज क्वर्कस ल्यूकोट्राइकोफोरा, बांज के पेड़ को शायद यही बोलते हैं। ओके, देवदार के पेड़ को सीड्रस देवदारा, तो इन जगहों पे आप चले जाएं तो वाटर वैसे ही फिल्टर करके आता है, तो फ्रेश वाटर का प्रोविजन भी जो प्लांट्स और जो ट्रीज़ के थ्रू है, ये भी बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड है। देन यू नो जहाँ पे भी देखिए, बांज के पेड़ को अगर आज आप काटना चाहेंगे या देवदार के पेड़ को काटना चाहेंगे, तो फॉरेस्ट आपको नहीं काटने देगा। क्यों? क्योंकि जो इनकी रूट्स होती हैं, दीज रूट्स एक्चुअली होल्ड्स द सॉइल पार्टिकल्स वेरी फर्मली एंड दे चेक सी दीज ट्रीज चेक द सॉइल इरोजन। ठीक है, तो जहाँ से सॉइल इरोजन की बात होती है, तो पेड़ जहाँ पर नहीं होंगे, फिर वहाँ पे रूट्स नहीं होंगी, रूट्स नहीं होंगी तो वो होल्ड नहीं कर सकती हैं बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को या सॉइल को, तो वहाँ से फिर प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। ओके, तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी, अगर बहुत ज़्यादा आपका बढ़िया पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, तो सॉइल इरोजन भी चेक किया जाता है। एंड क्लाइमेट रेगुलेशन इज़ ऑलवेज देयर, जो भी मैंने ऊपर बताया उसको क्लाइमेट रेगुलेशन में ही आप ले सकते हैं। और आजकल देखिए, एक बहुत इको टूरिज़म एक बहुत इम्पॉर्टेंट हॉट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप जब अपना से स्पेशली जो लोग आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर रहे हैं, लाइक से BBA है, राइट, इसके अलावा MBA है, तो वो लोग इस पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाते हैं और देखते भी हैं किस तरीके से इको टूरिज़म को डेवलप किया जाता है। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया हुआ है। आजकल तो खैर लॉकडाउन की वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है, सब कुछ रुका हुआ है, बट इनिशियली आपको पता होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी इधर केदारनाथ विजिट किए थे, तो वहाँ उसको भी ये आपका इको टूरिज़म की तरह डेवलप करना चाह रहे थे। नैनीताल एक अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए हो सकता है, रामनगर आपके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। सो दीज थिंग्स ऑल आर रिलेटेड विद द बायोडाइवर्सिटी। ओके, then the optional values. So what we can do, we can skip this of these optional values, or what we can do very quickly, we can see optional value actually वो potential है biodiversity का जो कि future में आपके काम आ सकता है। बहुत ज़्यादा explore अभी ये किया नहीं गया है, लेकिन अगर इसको बहुत बढ़िया तरीके से explore किया जाए, so it may be very very useful. Okay, so these optional values include the potentials of the biodiversity that are presently unknown and need to be explored, and once explored it may serve a very good thing for the humankind or the mankind. Okay, so a quick example is that
there is a possibility that we may have the potential cure of the AIDS or the cancer existing within the depths of the marine ecosystem or the tropical ecosystem. Kuch experts aisa mante hain ki marine ecosystem se, tropical ecosystem se, ho sakta hai ki ye dawaiyan mil jaye. Ya Amazon mein bhi aap chale jaye, kyunki explore to humne kuch kiya nahi hai. Medicines Himalaya mein bahut zyada abhi bhi hain. Ya tropical rainforest Amazon wala area chale jaye, wahan pe bhi bahut zyada hain. So these are the optional value which have to be explored actually. They have the very good potential, but we haven't explored these things actually pretty much. Okay, so these are the optional values. Then there comes the ethical and the moral value. So this is something related. Ethical and the moral values, actually they are related to the society also. So I'll discuss these things later on, but very quickly I can summarize the few points. Ethical values of biodiversity are based on the importance of the protecting all form of life. This is very very important. देखिए आजकल बहुत हल्ला होता है, शेर बचाइए, ठीक है, या गिद्ध बचाइए, birds बचाइए, sparrow बचाइए. वो सिर्फ इसलिए होता है कि जितना ज़्यादा exist करेंगी life हमारे planet में, उतना ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम से इसके फ्लरिश करने की और इसके कंट्रीब्यूट करने की ह्यूमन काइंड के लिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए ये बात होती है. तो ये आपकी सारी एथिकल वैल्यूज़ हैं. ओके, और एथिकल वैल्यूज़ तो अपने अंदर से ही निकलती हैं, सिखाई तो जाती नहीं है. द सेकेंड पॉइंट इज द मोस्ट रिलीजियस एंड द सेक्युलर क्रीड्स बिलीव दैट द ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ हैव द राइट टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. यस, मैं भी इसको बिल्कुल मानता हूँ कि किसी भी तरीके की जो लाइफ है अर्थ पे, उसको रहने का उतना ही हक है जितना ह्यूमन को है. हम मानते जरूर हैं कि हम सुपर ब्रेन हैं और हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा जानवर जानते हैं, क्योंकि जानेगा वही बहुत ज़्यादा जो नेचर के जितने क्लोज होगा. तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, कभी डिस्कस करेंगे. देन थर्ड कम्स, मैन इज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ ग्रेट फैमिली ऑफ द स्पीशीज. प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव एन इक्वल राइट टू लिव एंड एग्जिस्ट ऑन आवर प्लैनेट. जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सुपर ब्रेन हम अपने आप को मानते हैं, तो हम सोचते हैं हम जैसा करेंगे वो ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं. एथिकली राइट और अकॉर्डिंग टू द मॉरल वैल्यूज, एवरी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव द इक्वल राइट टू लिव इन दिस प्लैनेट. ओके, सो देन नेक्स्ट पॉइंट, देर आर सेवरल कल्चर मॉरल एथिकल वैल्यूज एसोसिएटेड विद द sanctity of all forms of the life. तो ये सारे points लगभग एक ही बात को कहना चाह रहे हैं, ठीक है. और जैसे कि जानते हैं कि इंडियन ट्रेडिशन की अगर आप बात करें, इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें हम पहले से ही पेड़ों की पूजा करना, पेड़ों को बचाना, ये सब चीज़ें हम करते हुए आते हैं, गाय की पूजा करना, ये सब. तो बिकॉज वी बिलीव दैट द ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ एक्चुअली मस्ट हैव द इक्वल राइट टू लिव इन द प्लैनेट. So this is the point actually. The Indian civilization has over several generations presents nature through the local traditions. Okay, is tarike se bahut si cheeze hain. Then there comes the last point. We have in our country a large number of the sacred groves, okay, preserved by the tribal peoples in the several states. These sacred groves around ancient sacred sites and temples as a gene bank for the wild प्लैनेट्स. तो कभी बात करेंगे जीन बैंक, तो हम आगे बात करने ही वाले हैं जब हम एक्सीटू कंजर्वेशन की बात करेंगे. बाकी ये मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस तरीके से हम लोग प्रिजर्व करना चाहते हैं हर चीज़ को. ओके, एंड यू शुड रिमेंबर दिस नेम, प्रोफेसर नॉर्मन मायर्स, इस नाम को आप ज़रूर याद रखेंगे. और इन्होंने ही एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है. 1988 में ये टर्म आपने दिया. सो दिस क्वेश्चन में भी इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस. हु कॉइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? सो प्रोफेसर नॉर्मन मायर कॉइंड दिस टर्म इन 1988. ओके, एंड हॉटस्पॉट्स का मतलब क्या है? कुछ किसी भी कंट्री में कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्जन वेरिएशन आपको मिलेगा प्लांट्स की लाइफ में, एनिमल्स की लाइफ में, तो वो हॉट स्पॉट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं. ओके, एंड क्राइटेरिया फिर कुछ होने चाहिए कि किनको आप हॉट स्पॉट्स कहेंगे और किनको आप नहीं कहेंगे. तो उस क्राइटेरिया को अगर आप देखें, नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, राइट, कितनी है वहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ऐसी स्पीशीज जो एक जगह पर तो मिलेंगी, उसके अलावा वर्ल्ड में दूसरी जगह नहीं मिलेंगी. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स नज़र आते हैं, उन एग्जांपल्स को आप ध्यान में रखेंगे. जैसे डोडो बर्ड है जो कि मॉरिशस में आपका एंडेमिक था,
उसको आप ध्यान से देखेंगे, राइट, और कहीं वो नहीं मिलता है, ऐसी बहुत सारी स्पेशीज हैं, हम आगे आप में इसमें बात करेंगे, राइट। फिर इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें डिग्री ऑफ थ्रेट कितना है, और डिग्री ऑफ थ्रेट का मतलब है कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो सकती है, तो ये कम होना चाहिए, डिग्री ऑफ थ्रेट शुड बी लेस, ओके। एंड नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी स्पीशीज एंडेमिक हो जाए, कुछ इस तरीके से एनवायरनमेंट क्लाइमेट वेरीफाई किया जाए कि सब जगह हमको वो स्पीशीज मिल सके, उसका एडेप्टेशन कुछ इस तरीके से हो जाए, ओके। देन देयर कम्स सी दे ऊपर हमने लिखा हुआ है हॉट स्पॉट्स मीन्स richest and the most threatened reservoirs. Rich तो है लेकिन उसको threat बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। Threat कैसे मिल सकते हैं भाई? Poaching, hunting से मिल सकते हैं, right? Natural disasters भी हो सकती हैं, या आप कोई railway construct कर लीजिए, सड़क बना दीजिए जंगल के बीच में, है, और ये सब चीज़ें होती हैं, इनको हम धीरे धीरे बात करेंगे, ओके। तो ये कुछ इंडो बर्मा ईस्टर्न हिमालयन के आपके हॉट स्पॉट्स दिए गए हैं, तो इनको मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा, तो आप इसका स्नैपशॉट लेके आप इनको याद कर सकते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स यू हैव टू लर्न और यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट मोर देन दैट, ओके। सो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, तो सिर्फ ऊपर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, एंड द पॉइंट इज दैट पूरे वर्ल्ड में 35 हॉट स्पॉट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, 8 अफ्रीका में हैं, अब कहाँ हैं इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, एशिया पैसिफिक के पास लगभग 14 है, इसको ध्यान में रखेंगे। देन इसके बाद ये सारे आप देखिए, यूरोप और सेंट्रल एशिया के पास 4 हैं, नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका के पास 4 हैं, साउथ अमेरिका के पास 5 हैं, ये सब चीज़ें हैं ध्यान में रखेंगे, बट वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जो प्रीवियस 2-3 स्लाइड मैंने दिखाई। इंपॉर्टेंट यहाँ से है, इंडिया इज़ अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, तो ये ज़रूर ध्यान में रखेंगे। जो जितने भी आपके टोटल, देखिए पीछे हमने जो भी नंबर दिया था, लेकिन यहाँ पे जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं, राइट, उन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, तो देखिए डेटा आगे पीछे हो सकता है, यहाँ 12 है, इससे पहले कुछ और रहा हो, तो इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि कोई लिटरेचर किस तरीके से रिपोर्ट करता है कोई अलग तरीके से रिपोर्ट करता है, बट नंदलेस इफ़ यू बिलीव ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, राइट, और द सोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड, यहाँ से भी मैंने ये लिया हुआ है, उस हिसाब से इसको बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं, इंडिया उनमें एक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने लगभग 47,000 प्लांट स्पीशीज़ और 89,000 एनिमल स्पीशीज़ को इंडिया के अंदर होना बताया गया है, ओके। तो दीज नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, ओके। लार्ज पोर्शन ऑफ द इंडियन बायोडाइवर्सिटी इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, देखिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडियन बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर इसलिए नहीं हुई है, क्योंकि अभी देखें आप कुछ सालों पहले की रिपोर्ट है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहीं ऑस्ट्रेलिया की किसी एजेंसी को लिखा था कि हम इसमें बायोडाइवर्सिटी में काम करना चाहते हैं, स्पेशली प्लांट्स को सर्च करने के लिए, तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट शब्दों में लिख के ये कहा था कि इंडियन स्कॉलर्स, इंडियन रिसर्चर्स आर नॉट वेरी हार्ड वर्किंग व्हेन इट कम्स टू द सर्चिंग न्यू स्पीशीज़, क्योंकि देखिए पहाड़ों में जाना है, इधर उधर घूमना है, स्पेशीज़ करनी है, निकालनी है, आइडेंटिफाई करना है, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड वो लोग नहीं थे। अब इसके पीछे क्या रीज़न है ये तो मुझे नहीं पता, बट दिस वॉज द केस, राइट। तो बहुत सारा पोर्शन इसलिए आपका भी एक्सप्लोर हुआ ही नहीं है। और क्यों हमारे पास इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है? क्योंकि यहाँ पर डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो कंप्लीट रेनबो स्पेक्ट्रम का नज़र आता है, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में नज़र आती है। सो दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू कैन सी 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन इंडिया आउट ऑफ 35। देखिए वर्ल्ड में अभी 35 की बात करी थी हमने, उसमें से 4 तो इंडिया के पास ही हैं, ओके। तो उन चारों में आप देखिए हिमालयन है, इंडो बर्मा रीजन है, सदर्न लैंड्स हैं, वेस्टर्न घाट्स की मैं बहुत ज़्यादा बात आपसे पहले भी कर चुका हूँ, तो सिर्फ ये 4 नाम याद रखिए, इनके अंदर क्या है उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन सी हेयर यू कैन सी द 4% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, राइट, आउट ऑफ 35। और देखिए अगली स्लाइड में क्या है, 8% टोटल, देखिए 8% जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, टोटल 8%, उसमें से 8% ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी विद जस्ट 2.4 वर्ल्ड्स लैंड्स मास,
तो वर्ल्ड जो लैंड मास है वो तो हमारे पास काफ़ी कम है, 2.4%। वर्ल्ड के पास जितनी ज़मीन है हमारे पास उसकी सिर्फ 2.5% के आसपास है, उससे भी कम है, लेकिन हमारे पास 8% टोटल बायोडाइवर्सिटी है, राइट। सो इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज। देखिए पीछे 12 लिखा था और यहाँ 17 हो गया, सो यू कैन करेक्ट इट एज 12, ओके। और अगर आप सर्च कर सकते हैं तो लेटेस्ट डेटा कहीं से देख के इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, फाइन, ये ध्यान में रखेंगे। देन अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, हालांकि इसको एक साथ इतना कवर करना मुश्किल है, तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे होते हैं, क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में, मे बी टुमारो, ओके, तो मैं डिटेल में इनको डिस्कस करूँगा कि कहाँ से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट, नैरो ज्योग्राफिकल एरिया। अगर ये ज्योग्राफिकल एरिया कम हो जाएगा, जो कि नेचुरल कॉजेस की वजह से हो सकता है, तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी कम होने का मतलब है हम स्पीशीज लॉस करने लगेंगे, ओके। देन लो पॉपुलेशन, लो पॉपुलेशन में ह्यूमन पॉपुलेशन से बात नहीं चल रही है, किसी एक पर्टिकुलर एनिमल की जो कि हम इम्पॉर्टेंट समझते हैं इकोसिस्टम के लिए, या कोई प्लांट स्पीशीज विच इज़ कंसिडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ इट्स पॉपुलेशन और देयर पॉपुलेशन आर वेरी वेरी लो, पॉपुलेशन इज वेरी वेरी लो, देन देर इज ऑलवेज अ डेंजर दैट वी कैन लूज दैट पर्टिकुलर स्पीशीज, ओके। एंड समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स विद द लो ब्रीडिंग रेट। दिस इज द केस विद दैट पैसेंजर पिजन बर्ड। इसके हम केस की बाद में बात करेंगे, पैसेंजर पिजन बर्ड की, क्योंकि एक साल में एक ही अंडा देती थी, तो ये भी सर्वाइव बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई, तो ब्रीडिंग रेट कम होगा तब भी आप लॉस कर देंगे। देन देयर कम्स द नेचुरल डिजास्टर्स, वही वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, फ्लड्स हैं, ठीक है, ये सब अगर हो जाएगा, मान लो अर्थक्वेक्स हैं, तो इससे भी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो सकती है, लेकिन नेचुरल जो कॉजेज हैं इसको करेंट जो मॉडर्न डेज हैं इसमें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज वी आर एक्चुअली रनिंग वेरी वेरी फास्ट टूवर्ड्स द डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, एट द कॉस्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। तो हम जल्दी से बिल्डिंग तो बनाते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें तो कंस्ट्रक्ट करता जा रहे हैं, लेकिन नेचर को प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरल डिजास्टर रोकना हमारे बस की बात अभी फिलहाल नज़र नहीं आती है, ठीक है। भूटान, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द भूटान। भूटान इज़ द कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनटच्ड आपके इकोसिस्टम नज़र आते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट की तरफ उन्होंने बहुत ज़्यादा, डेवलपमेंट की तरफ तो नहीं कहेंगे, मतलब एट द कॉस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज उन्होंने कभी डेवलपमेंट करना नहीं चाहा, तो वहाँ की सीनिक ब्यूटी भी अलग देखते हुए ही बनती है, नेचुरल कॉजेज। देन देयर कम्स द नेक्स्ट टर्म, द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। सो दिस इज द टेक्निकल टर्म फॉर यू। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या है? मैन मेड, हम जो मॉडिफाई करते हैं इन्वायरमेंट, तो जो भी मैन मेड इन्वायरमेंट होता है, ओके, मैन मेड इन्वायरमेंट होता है वो आपका एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। तो इसमें हैबिटेट मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल भी आता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज का एग्जाम्पल आता है, इनोवेशन ऑफ द एग्जॉटिक स्पीशीज का एग्जाम्पल भी आता है, ये सब चीज़ें आती हैं, ओके। सो मैं अपना लेक्चर अभी यहाँ पे रोक रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कवर करके, और मे बी 4 लेक्चर में ये टॉपिक मैं आपका फर्स्ट ईयर्स के लिए कंप्लीट करूँगा, ओके। तो फर्स्ट ईयर के लिए इतना जानना सफिशियंट है। तो डेट्स इट फॉर टुडे गाइज, ओके, थैंक यू वेरी मच।